भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शनिवार को जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया गया, जिसमें भाजपा प्रत्याशी साधना सिंह के अलावा किसी भी प्रत्याशी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया, जिसकी वजह से भाजपा प्रत्याशी साधना सिंह की जीत पक्की है। 3 जुलाई को परिणाम घोषित किए जाएंगे। नामांकन प्रक्रिया को देखते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इस दौरान भाजपा के प्रत्याशी साधना सिंह ने डीएम कोर्ट के नामांकन कक्ष में पहुंचकर रिटर्निंग ऑफिसर जिलाधिकारी के विजयन पांडियन के समक्ष 4 सेट पर्चा दाखिल किया। वहीं समाजवादी पार्टी द्वारा पूर्व में घोषित अपने प्रत्याशी आलोक गुप्ता को बदलकर जितेंद्र यादव को टिकट दिया, लेकिन निर्धारित समय तक जितेंद्र यादव अपना पर्चा दाखिल नहीं कर पाए। इस तरह देखा जाए तो साधना सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए निर्विरोध निर्वाचित हो चुकी हैं। आपको बता दें कि भाजपा प्रत्याशी साधना सिंह पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह की पुत्रवधू हैं तथा कैंपियरगंज विधायक और पूर्व मंत्री फतेह बहादुर सिंह की पत्नी हैं, जिनको भाजपा ने जिला पंचायत अध्यक्ष का प्रत्याशी बनाया है। इसके पहले भी साधना सिंह जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष का पदभार संभाल चुकी हैं। इस संबंध में भाजपा प्रत्याशी साधना सिंह ने कहा, बीते कार्यकाल के दौरान कुछ कार्य छूट गए थे जिसको अब पूरा किया जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। नामांकन के संबंध में जिलाधिकारी के विजयन पांडेय ने बताया कि जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए सुबह 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन का समय निर्धारित था। जिलाधिकारी ने बताया कि नामांकन सकुशल संपन्न हो गया है तथा सुरक्षा को देखते हुए फोर्स की भी तैनाती की गई थी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद भाजपा जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी साधना सिंह तथा जिलाधिकारी के विजयन पांडियन एवं निर्विरोध जीत पक्की होने के उपरांत भाजपा जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी साधना सिंह ने कहा, आप लोग टीका अवश्य लगवाएं, बार बार साबुन से हाथ धोते रहें। जी हाँ, 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, इसलिए कृपया आप लोग टीका अवश्य लगवाएं। इसी के लिए ये महत्वपूर्ण सावधानियां अपनाएं। 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, इसमें कोई लापरवाही और ढिलाई ना करें। कोरोना के लक्षण दिखाई देने पर डॉक्टर की सलाह अवश्य लें, अपने से उपचार न करें। 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी। जी हाँ, 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी। परिसर वायरस से बचने के लिए ये महत्वपूर्ण जरूरी मास्क है जरूरी। जी हाँ, 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी। परिसर में बिना मास्क पहने प्रवेश न करें। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ। जिंदाबाद।
फतेह बहादुर जिंदाबाद जिंदाबाद, मदना सिंह फतेह बहादुर जिंदाबाद जिंदाबाद, महाराज फतेह बहादुर जिंदाबाद फतेह बहादुर here, sir.
दादरा सिंह फतेह बहादुर जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी फतेह बहादुर जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 युधिष्ठिर सिंह जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 ठीक है इसे जरा हट जाइए आगे जरा नहीं नहीं एक मोबाइल फोन है क्योंकि मैं मोबाइल हां हां अरे उधर पीछे ठीक हुआ रहा चलिए बहुत शुभ दिन है आज ये और मेरे ख्याल से मुझे नहीं लग रहा कि मेरे सामने कोई चुनौती है और चुनौतियों से खेलना मेरी पुरानी आदत है आप लोग को पहले से पता है तो इसलिए मैं किसी भी चुनौती से नहीं डरती हूँ मैं हर चुनौती को आराम से झेलने के लिए तैयार हूँ और जहाँ तक मेरा वो कहना है कि तो मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई विरोधी है नहीं काम तो देखिए विकास का काम करने के लिए ही आए हैं तो विकास तो करना ही है तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकेंगे उतना अच्छा होगा और सभी सदस्य हमारे बहुत अच्छे हैं और सभी सदस्यों का यही कहना है कि जो हम जनता से अपने वादे करके आए हैं बस उसमें आप हमारा सहयोग करें तो मैंने कहा कि मैं विकास के लिए ही आई हूँ तो मैं ज़रूर पूरा सहयोग करूँगी विकास ऐसा कुछ नहीं हुआ थोड़ा सा पिछले कार्यकाल में थोड़ा समय हमारा उसमें लग गया था कुछ मुसीबत कुछ बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियां आई उसमें लड़ने उनसे जूझने में हमारा थोड़ा समय व्यतीत हो गया इस वजह से हमारे विकास के कुछ कार्य अधूरे रह गए तो मैं चाहूँगी कि इस बार मैं पूरी तरीके से उसको करूँ वो समय आएगा तो मैं आपको बताती जाऊँगी नहीं नहीं छत्राणी का ये अंदाज छत्राणी का ये कहना है कि मतलब जो वचन मैंने दिया है मैं उसे पूरी तरीके से निभाती हूँ प्राण जाए पर वचन ना जाए ये मेरा उसूल है चुनाव का नॉमिनेशन है नामांकन है सुबह 11 बजे से लेके शाम को 3 बजे तक चलेगी और आज के बाद फिर स्क्रूटनी होगा फिर 29 तारीख का वापसी है फिर चुनाव 3 तारीख का है उसी के तैयारी में बहुत सारे लोग नामांकन पत्र ले गए हैं उम्मीद है शांतिपूर्वक होने के लिए आज हम लोग पर्याप्त मात्रा में फोर्स तो लगे हुए हैं सभी का ये मौका मिलेगा समय से आकर के अपने नामांकन दाखिल कर सकते हैं ताकि कोरोना का प्रोटोकॉल ध्यान में रखते हुए ज़्यादा भीड़ से ना आ जाए बहुत कम लोग से आकर के नामांकन कर लें और जो भी प्रचार करना है तो शांतिपूर्वक कर लें और इस पर ज़्यादा सदस्य भी नहीं है वोटर भी ज़्यादा नहीं है और उसके बाद फिर जो भी चुनाव होगा निष्पक्ष रूप से शांतिपूर्वक होगा उसके लिए हम जिला प्रशासन इस पर कमिटेड है हम लोग सभी लोग एक सप्ताह से लगे हुए हैं उम्मीद करेंगे तो चुनाव बहुत शांतिपूर्वक रहेगा और निष्पक्ष रूप से रहेगा इसी उम्मीद से मैं केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व बीजेपी संगठन मेरे माननीय जिला पंचायत सदस्य और मेरे कार्यकर्ताओं को सभी को मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि उन लोगों ने जो विश्वास जताया उस पर मैं खरी उतरी
समय आएगा वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा भैया कि क्या क्या काम हो सकता है। क्या कारण रहा कि विपक्ष जो है आपके सामने दावेदारी तक पेश नहीं कर पाया, जो कल तक दम भर रहा था कि हम मुकाबला करेंगे, वो ऐसा क्या कारण रहा कि वो भाग गया? ये तो वही विपक्ष ही बता पाएगा बेहतर, मैं कैसे बता सकती हूँ कि वो क्यों भागे। मैं अपनी लड़ाई लड़ी, बाकी उनकी इच्छा वो क्यों भागे आप उनसे सवाल करिए विपक्ष से।